हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th और टॉपिक बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में भी आज जो हम इस वीडियो के थ्रू शुरू करेंगे वो यूनिट 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जैसे मीनिंग और किसका मीनिंग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि व्यवसायिक वित्त के स्रोतों का। पैसा कहाँ से, देखिए तो फाइनेंस का मतलब होता है कि जो भी पैसा, जो भी मनी, जो भी फंड हमें रिक्वायर होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उनकी क्या सोर्सेज हैं, ये उसके ऊपर टॉपिक है कि वो पैसा आप कहाँ कहाँ से एक तरीके से एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम उसका मीनिंग सीखेंगे, उसके फीचर्स सीखेंगे, क्या क्या फंड्स होती हैं वो सीखेंगे। तो इसीलिए आज हम अपनी वीडियो को इसी के थ्रू शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मीनिंग पर चलते हैं। इस वीडियो में आप देखें तो बिजनेस फाइनेंस जो होता है, इसका मतलब है कि बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से पैसा जो है बिजनेस में हम लगा सकते हैं, ले सकते हैं, या यूज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस सबसे पहला टॉपिक बनता है हमारा, जो हमारा जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो मीनिंग उसका समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए सबसे पहले अर्थ ही हमने समझा कि जो भी पैसे की या जो भी फंड्स की हमें जरूरत है अपने बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो व्यवसाय द्वारा विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसी को हम व्यवसायिक वित्त कहते हैं। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी बिजनेस रिक्वायर मनी, वो मैं आपको बता चुका हूं, उसको मनी कह लो या फंड कह लो, मतलब एक ही होता है। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, वित्त का मतलब पैसे को इकट्ठा करना। देयर फॉर इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जैसे एक इंसान के जीवन में ब्लड की इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही किसी बिजनेस के पूरे जीवन काल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंस या मनी। तो इसीलिए इसको लाइफ ब्लड भी कहा गया है कि जीवन रक्त भी इसको कहा जाता है। तो ये हमें सबसे पहले समझना था कि जो भी रिक्वायरमेंट है फंड की बिजनेस की विभिन्न एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंशियल नीड क्यों जरूरी है, मतलब क्या ऐसी जरूरत आई जिसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता है, तो वो कौन कौन सी वित्तीय आवश्यकता है जिनके लिए हमें फंड की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, वो यहाँ पर बताया गया है। द नीड फॉर फंड अराइजेस फ्रॉम द स्टेज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर मेक ए डिसीजन टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो जिस दिन हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें अपने बिजनेस को शुरू करना है, उसी दिन से पैसे की आवश्यकता पड़ने लग जाती है उस बिजनेसमैन को जो ये डिसीजन लेता है कि हमें बिजनेस करना है। सम फंड आर नीडेड इमीडिएटली, मतलब कि एकदम से उसकी जरूरत होती है, फॉर द पर्पस ऑफ या फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। कुछ पैसा ऐसा होता है जो बिजनेस को शुरू करने में सबसे पहले जरूरी है। अब चाहे उसमें प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, अदर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो, तो इन सब जो भी ये फंड होता है ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। एक तो सबसे पहले इसमें ये समझना जरूरी है कि ये पैसा हमें लंबे समय के लिए चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होती है वो भी हैवी होती है, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। बट इनके बिना मैं अपने बिजनेस में बिजनेस को शुरू करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत जरूरी भी होता है। तो ये तो वो फंड्स हैं जिनको हम वैसे लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो शॉर्ट टर्म फंड्स करेंगे। सम फंड आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जो लो रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी है, से टू परचेज रॉ मटेरियल खरीदना हो, हमें कच्चा माल खरीदना हो, हमें सैलरी पे करनी हो, ठीक है, हमें क्या करना हो, स्टेशनरी परचेज करनी हो, तो हमें ऐसा जो भी अपना डे टू डे वर्क है उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है, वेजेस पे करनी हो हमें, जो हम मजदूरों को पे करते हैं,
हमें रेंट पे करना हो, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। आप जानते हो इन सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं अगर वहाँ जाए तो। इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दो तरीके से हमें फंड की जरूरत पड़ती है जब भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें दो टाइप के फंड रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो बिजनेस रिक्वायर फंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एज वेल। बिजनेस को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसका विकास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत है। हम अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं तो हमें पैसे की जरूरत है। हम नई यूनिट लगाना चाहते हैं, हम किसी नए बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो पैसे की आवश्यकता है। फंड हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर चाहिए होता है, जिससे हम अपनी जो भी एक तरीके से प्लानिंग है हमारी, हम उसको पूरा कर पाए। तो ये तो था कि फंड की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अब फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें, तो एडिशनल फंड हमें चाहिए होता है अपग्रेड। अगर हम टेक्नोलॉजी, ये वही वाला पुराने वाला जो पार्ट है अगर हम देखें, तो ये उसी पे ही अभी भी फोकस कर रहा है। मतलब इससे पिछले वाली स्लाइड की ही बात चल रही है अभी भी। अगर हम बात करें कि फंड की आवश्यकता क्यों है, तो उसी चीज़ों को हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ पर देखेंगे कि हमें अगर टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना है तो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ऑपरेशन है उसको कम किया जा सके। लार्जर फंड में भी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंट्रीज फॉर फेस्टिव सीजन। भविष्य में एक एक सीजन ऐसा आ रहा है जहां पर ज्यादा सेल होने की संभावना है, और वो चाहे फेस्टिव उसका रीजन हो, चाहे कोई और भी रीजन हो, तो उसके लिए हमें अपने पास स्टॉक को क्या करना है, रखना है, सो दैट जो उस समय की डिमांड आए हम उसको फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए भी पैसा एक कंपनी को चाहिए होता है या एक बिजनेस को चाहिए होता है। लार्जर फंड मे बी रिक्वायर्ड टू मीट द करंट डेप्ट, जो भी हमारे ऊपर वर्तमान का उधार है, ऋण है, उनको पूरा करने के लिए, उनको पे करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है। तो ये सारे वो काम थे या ये वो सारी चीजें थी जिनके लिए एक बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब है द फाइनेंशियल नीड ऑफ ए बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो जो ये हमारी अभी हमने पीछे पढ़ा कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, अगर इनको हम कैटेगराइज्ड करें तो ये इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली पार्ट है। फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। तो जब हमें फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। यहाँ हमें ज़्यादा फंड की जरूरत होती है। तो जो जो भी फंड रिक्वायर्ड होता है इन फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कोई भी एक एक, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, मे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो उसने बताया कि फंड की रिक्वायरमेंट भी जैसा बिजनेस का नेचर है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है पहले वो बाय करते हैं फिनिश गुड्स को और बाद में वो सेल करते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस में जो होते हैं उनको जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, क्योंकि उनको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत हो सकती है, फर्नीचर फिक्सचर की जरूरत हो सकती है, पर वो भी कम होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मुकाबले। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो होती है जो बनाकर माल को बेचती है, तो उनको फंड की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न ज्यादा होती है। लार्ज द एंटरप्राइजेस, जितनी बड़ी एंटरप्राइजेस होगी, मतलब कि जितना उसका जो काम करने का दायरा है वो जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी कंपनी होगी, उसको उतना ही फिक्स कैपिटल के अंदर ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो उसको कम है। आप देखते हो किराने की दुकान जो आपके आसपास है उसको फिक्स कैपिटल में कम पैसा चाहिए, बट अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री लगी हुई है, छोटी मोटी फैक्ट्री भी होगी, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी।
बिग बाजार में पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, डिपार्टमेंटल स्टोर में उससे कम और एक किराने की दुकान में उससे कम। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द साइज जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चेंज आपको मिलेगी अगर आप अपने आसपास इसको सर्च करेंगे। तो सबसे पहला फंड जो चाहिए होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है। दूसरी अगर इसकी दूसरा देखें कि जो फाइनेंशियल नीड है उसको कैटेगराइज किस में किया जाता है तो वो होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन से संबंधित होती है, और ऐसी किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट को हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे विच इज यूज फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है, स्टॉक जिसको हमको बेचना है, ठीक है, जिससे जिन जिनको हमने उधार बेच रखा है उनसे अभी पैसा आपके पास नहीं आया तो इतने वहां से पैसा नहीं आता, इतने आप जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहे सैलरी हो, वेजेस हो, टैक्सेस हो, रेंट हो, स्टेशनरी हो, बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे हैं, तो उन सब के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ए बिजनेस एंटरप्राइजेस सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेचते हैं जब भी बिल रिसीवेबल या डेटर बनते हैं, और हैविंग द स्लो सेल टर्नओवर जिसकी सेल धीरे धीरे होती है, मतलब कि स्पीड नहीं है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है पर उसके कंपैरिजन सेल उतनी नहीं है, उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए हो सकती है जिस जो क्रेडिट में बेचती है और लंबे समय में उधार मिलता है, साथ ही साथ उसकी जो सेल की टर्नओवर है वो भी धीरे है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कैश बेसिस पर डील करती है, उधार में कुछ बेचती ही नहीं है और उसकी सेल्स टर्नओवर भी जो है वो स्पीडी है, तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और ये सारे फैक्टर हम नेक्स्ट ईयर 12th के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट डालते हैं। अभी के लिए बस हमें ये समझना है कि हमारी दो प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कई सारी आपको यहाँ पर बार बार रिपीट मिलेंगी, तो वो हम देखेंगे क्योंकि बेसिस जो है वो तीन बेसिस बताए हैं। पहला बेस है पीरियड के बेस पे, दूसरा बेस है ओनरशिप के बेस पे, और तीसरा जो बेस है वो सोर्सेज ऑफ जनरेशन है कि किस तरीके से उसको जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर पीरियड के बेस पर देखें तो तीन पूरे पूरे जीवन काल को एक बिजनेस के तीन हिस्सों में बांट रखा है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसका समय जो है जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से कम हो, मिडिल टर्म जिसका 1 से 3 साल हो, और लॉन्ग टर्म जो 3 साल से ऊपर हो नॉर्मली माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म में हमें पैसे की जरूरत होती है, ट्रेड क्रेडिट जहां से पैसा हमें मिल सकता है, ठीक है, हम उधार में माल जो है खरीद लें तो हमारा जो फाइनेंस की जो जरूरत है हमारी वो पूरी हो जाएगी। फैक्टरिंग जो अभी हम देखेंगे क्या होती है, जहां पर हम एक दूसरे बंदे को हायर करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो हमारे लिए फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बैंक्स हैं हमारे, और कमर्शियल पेपर हैं जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को इश्यू करता है। मीडियम टर्म में जाएं तो पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, पब्लिक से पैसा मांगा जा सकता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है, और लीज फाइनेंसिंग भी की जा सकती है। इनको पढ़ेंगे अभी एक एक करके, जब हमारे साथ हम आगे जाएंगे तो ये सारी सोर्सेज हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हम शेयर जिसको हम मालिकाना हक कहते हैं वो दे सकते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब है अपने प्रॉफिट को ही रोके रखना, प्रॉफिट को ही यूज करना जो प्रॉफिट हमने पिछले कई सालों में कमाया है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद डिबेंचर जिसको हम ऋण पत्र कहते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं, बैंक से भी हम लोन ले सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें अब आगे रिपीट होती हुई मिलेंगी, यही चीजें वहां आगे भी होंगी, बस जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। ओनरशिप के बेस पे बात की जाए तो दो प्रकार के हमारे फंड्स होते हैं जहां से हम पैसा एकत्र कर सकते हैं। एक ऑनर फंड होते हैं जो बिजनेस के मालिकों का पैसा होता है, और एक बोरोड फंड होता है जो उधार लिया गया पैसा है। ऑनर फंड में इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग आती हैं,
बोरोड फंड में डिबेंचर जो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, लीज फाइनेंसिंग, ये सब बोरोड फंड के ही पार्ट हैं। तो ओनर फंड में दो ही टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक रिटेन अर्निंग। अब बिल्कुल इसी तरीके से सोर्स ऑफ जनरेशन भी है, इंटरनल सोर्स जो मतलब कि कंपनी के अंदर से आती है, तो वही इक्विटी शेयर मिलेंगे और रिटेन अर्निंग मिलेंगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल सोर्स में पहुंच जाती है, वो चाहे ट्रेड क्रेडिट हो, फैक्टरिंग हो, कमर्शियल पेपर हो, डिबेंचर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो, बैंक से लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू हो, कमर्शियल पेपर हो, लीज फाइनेंसिंग हो। तो यहाँ हमारा बेस जो है वो क्या होता है, सोर्स का होता है। तो ये दो तरीके की सोर्स होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब यही हिंदी में है, आप हिंदी में भी इनको पढ़ सकते हैं। आगे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे लिए और ये क्लियर हो जाएंगे। डिबेंचर को हम ऋण पत्र कहते हैं। तो बाकी व्यापार, क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, वाणिज्य पेपर, ये सब होते हैं। और बैंक से लोन लेना, सार्वजनिक जमा के थ्रू जिसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेना, वित्तीय वित्त पोषण होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर आते हैं दीर्घकालिक में। प्रतिधारित आय को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वित्तीय संस्थानों से ऋण होता है, बैंक से लोन होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये उसका हिंदी अनुवाद। अब इसी के बेस पर हम एक एक करके अपनी जो रिटेन अर्निंग है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो रिटेन अर्निंग आती है, या सबसे पहली जो सोर्स आती है अगर हम बात करें, तो हमारी पहली जो सोर्स आती है वो हमारी आती है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्योंकि कंपनी का खुद का वो प्रॉफिट होता है जिसको उन्होंने अभी तक डिवाइड नहीं किया, मतलब कि ओनर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसको रोक लिया जाता है, जिसको हम प्रतिधारित आय भी कहते हैं। द पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग या नेट प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। तो जो ऐसा कोई भी मेरी आय जो मैंने कमाई थी, जो प्रॉफिट मैंने कमाया था और जिसको मैंने बिजनेस में बरकरार रखा है, रोके रखा है, किस लिए? क्योंकि मैं भविष्य में उसका उपयोग करना चाहता हूं। तो ऐसे ही किसी भी पार्ट को प्रॉफिट के हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, मतलब कि जो स्वयं वित्त पोषण या आंतरिक वित्त पोषण का एक तरीका होता है। और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी इसका एक नाम है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनल फाइनेंसिंग भी इसको कहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को रोके रखना भी इसको कहा जाता है। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लगिंग बैक इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड इज ये असल में प्लगिंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर कॉमा है, डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप कितना पैसा रोकोगे ये इस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। दूसरा, कंपनी को जो डिविडेंड देना है उसके लिए कंपनी की क्या पॉलिसी है, अभी हम पढ़ेंगे डिविडेंड भी। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ में अंश किसका, मालिकों का। तो कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में अपने ओनर्स को दें वो डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है। बिजनेस कितना पुराना हो गया है तो उसकी एज कितनी है। जितने नए बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा प्लगिंग बैक करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट को ज़्यादा रोक कर रखते हैं। जैसे जैसे बिजनेस जो है पुराना होता चला जाता है, तो प्लगिंग बैक कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, नहीं तो नॉर्मली हम ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमसे जुड़े रहें। तो ये था रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग की अगर मेरिट्स की बात की जाए कि इसके क्या फायदे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो देखिए सबसे पहला तो यही है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कहीं से इसके बदले में हम ना कोई ब्याज पे करेंगे ना कुछ करेंगे, हमारा खुद का पैसा है, तो हमारा एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कोई भी इसके अंदर जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड, मतलब क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का अन्य खर्च इस पर नहीं देना होता।
जब आप बाहर वालों से लोन लेते हो तो आप उनको ब्याज भी देते हो, जब आप अपने शेयर इश्यू करते हो तो उनको डिविडेंड या जिसको हम लाभांश कहते हैं प्रॉफिट में अंश वो देते हो। ये दोनों ही टाइप की एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब हम रिटेन अर्निंग की बात करते हैं तो हमें नहीं देनी पड़ती। बिजनेस के पास ग्रेटर डिग्री है कि इसको वो जिस मर्जी तरीके से यूज कर ले, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं डिफरेंट प्रकार के बाहर के लोगों से तो वहाँ वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिलते हैं, पर ये क्योंकि हमारा खुद का पैसा होता है तो यहाँ पर मुझे इसको ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है कि मैं इसको जैसे मर्जी चाहूँ वैसे मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। रिटेन अर्निंग एनहेंस करती है कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑब्जॉर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अगर इस पैसे को यूज करने से मुझे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं तो मैं उनको सह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये पैसा किसी भारी व्यक्ति से नहीं लिया था तो मुझे किसी को कुछ पे नहीं करना, मेरा खुद का पैसा है। तो डिसीजन गलत हो सकता है पर उसमें मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं आएगा कि मुझे वो पैसा भी अभी वापस चुकाना है और यहाँ भी मुझे लॉस हो गए हैं, तो डबल मार नहीं पड़ती एक तरीके से। इट मे लीड टू एन इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। कंपनी के पास अगर रिटेन अर्निंग अच्छी है तो वो उसके कंपनी के मार्केट जो शेयर की वैल्यू होती है उसको भी बढ़ाती है, तो ये एक मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी के शेयर की भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये तो सारे कुछ इसकी मेरिट्स थी, किसकी, रिटेन अर्निंग की। जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मेरिट एंड लिमिटेशन ही हमारे सामने आएंगी। अब रिटेन अर्निंग की लिमिटेशन आती है, कमियां सब में है, इसमें भी है, क्या है बस उसको समझना है। वैसे रिटेन अर्निंग होनी चाहिए। एक्सेसिव, अगर आप ज़्यादा रोक कर रखोगे, अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट रोक लिया तो डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है किनके बीच में, जो शेयर होल्डर होते हैं जो ऑलरेडी मालिक है कंपनी के, वो कहते हैं कि क्यों उन्होंने इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं जो हमें कुछ भी नहीं दे रही। तो जब उनको डिविडेंड कम मिलेगा तो वो डिस्करेज होंगे, और डिस्करेज होंगे तो वो अपने शेयर बेच सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा रोकना भी खतरनाक होता है। इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, इसकी कोई निश्चित नहीं है। आपको किसी साल प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, किसी साल प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये एक ऐसी सोर्स है जिस जो निश्चित नहीं है कि आपको इतना पैसा यहाँ से मिल ही जाएगा। तो बिजनेस इसके बेस पर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने से थोड़ा सा कतराता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी पढ़ा है कि पैसे को रोके रखने से अगर मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करूं तो क्या मैं वहां से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि ये खुद का पैसा होता है इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बट अगर यही पैसा मैं अपने बिजनेस की जगह कहीं और लगाता तो शायद मैं ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता था। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो मैंने छोड़ी, बट क्योंकि मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता इसलिए ये एक इसकी कमी के रूप में भी सामने रखा जाता है। तो आज की ये जो पहली वीडियो थी इसमें हमने पहला सोर्स किया, साथ ही साथ हमने सीखा कि कितने प्रकार की कैटेगरी हमने बना रखी है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस की नीड क्या होती है वो इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो सोर्सेज हैं उनको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।